हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि अब इन लोगों ने हथियार लिया है। सो वेलकम बैक टू ग्रोवर्स हेयर। और ये हमारा Q&A वीडियो है और इस बार हम कुछ डिफरेंट शूट करने वाले हैं। जैसे हम हर बार बहुत अच्छे कपड़े पहन के फॉर्मली अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, जो हमारे घर का सबसे अच्छा पार्ट है, वहां बैठ के एकदम प्यार से आंसर करते थे, आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ऐसे अपने रजाई वजाई में बैठ के आंसर करेंगे। एंड ये वीडियो इसलिए नहीं है कि हमारे पास कंटेंट खत्म हो जाता है तो हम Q&A वीडियो बनाने लगते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे नहीं भाई, जैसे ये जैसे उन्हें हमसे बात करना अच्छा लगता है, वैसे हमें भी तो उनसे बात करना अच्छा लगता है। यस, और काफी टाइम हो गया था किसी भी Q&A वीडियो के आए हुए, तो 400K भी खत्म हुए थे अभी, मतलब 400K पूरे हुए थे। तो मैंने सोचा, अभी मैं आई थी तो मैंने सोचा कि Q&A वीडियो ही बना ली जाए, तो इसीलिए हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। और बहुत सारे क्वेश्चंस में से हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हमें सबसे अप्रोप्रिएट लगे, तो हम उनके आंसर्स करने वाले हैं। तो आगे कभी बोलती है, मैं तो इतना बोल ही नहीं पाता यार। अपना काम शुरू करते हैं, इनकी बड़बड़ बंद करते हैं अब। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मम्मी पापा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे फ्रीक्वेंटली आज है वो यही है कि हाउ आर योर पेरेंट्स सो कूल। मैं तो बचपन से ही बहुत कूल हूँ। मैं अपने सर्दियों के कपड़े सितंबर में निकाल लेता हूँ और अप्रैल में रखता हूँ। और इन्हें देख देख के मैं भी कूल हो गई। लेकिन कूल होने की बात ये होती है कि जब जब हमारे ऊपर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी थी, हमने वो भी बहुत परफेक्टली निभाई है। और जब हमें लगने लगा कि हाँ अब ये लोग सेटल होने लगे हैं, या जैसे राजश्री का सिलेक्शन हो गया और उसके बाद माधव ने भी अपनी लाइन चूज की, तो हमें तब लगा कि जो बच्चे चाहते हैं वो करने के लिए हमें उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, और शायद उसी को सब लोग कूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही फनी लगा था। ये क्वेश्चन ये है कि दीदी आपके मम्मी पापा भाई बहन से लगते हैं और आप चारों भी भाई बहन लगते हो, क्या राज है? बहना भैया शादी के 20 साल बाद साथ रहते रहते ना, जो 32 में से 30 गुण मिल रहे होते हैं ना, वो 32 के 32 मिलने लगते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो रोज की लड़ाइयां होंगी। साथ रह रहे के हमारी नेचर भी मिलने लगी और हमारी शक्लें भी मिलने लगी। सब पति पत्नी की मिलने लगती है, किसी को भी देखना गौर से। और आप चारों भाई बहन कैसे लगते हो ये भी बता दो। हाँ, उसका जवाब ये कि जब हम दो भाई बहन हुए तो हमारे बच्चे भी हम जैसे ही होंगे ना। नहीं, हम तो और हम तो भाई बहन हैं। हम तो जवान के जवान रह गए, तुम बच्चे से जवान हो गए। हर रिएक्शंस। सर क्वेश्चन मुझसे ही है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा हुआ था कि मैं 6 महीने से कहाँ गायब हूँ। तो मैं इस बात का आंसर करना चाहूंगी कि मेरे MBBS के फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं काफी टाइम से थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर रही थी, क्योंकि MBBS थोड़ी सी लास्ट में काफी टफ हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने ब्लॉगिंग पे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं एकदम से, और ब्लॉगिंग के लिए ना इतना आसान नहीं होता। मतलब आपको कहीं कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है कि आप कुछ करोगे तो ही आप उसका ब्लॉग बनाओगे। तो मेरे पास अभी बेसिकली इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को ज्यादातर टाइम अपना पढ़ाई को देना पड़ रहा था, इसलिए मैं थोड़ी गायब हो गई थी। और लेकिन मुझे काफी खराब लग रहा था कि मैं कंटेंट नहीं डाल पा रही हूँ, मेरा चैनल वेस्ट हो रहा है, इसलिए हमें ये आइडिया आया कि एंड मैंने इसको बखूबी निभाया। तूने अकेले ने अपने कपड़े तो तू अकेले ले नहीं सकता अलमारी में से, तू चैनल संभालेगा अकेले। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मी, और अब बच्चों ने ये पूछ रखा है कि मेरा फाइनल ईयर हो चुका है तो व्हाट विल आई बी डूइंग नेक्स्ट। और भी मेरे जो जूनियर्स वगैरह हैं जो MBBS कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो मुझसे यही पूछते रहते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए नीट PG के लिए, बिकॉज अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नीट PG है, तो उसके लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस। अभी रिसेंटली मैं प्रेप लैडर के फ्री क्वेश्चन बैंक को मैंने ट्राई किया था, तो उनका जब मैंने क्वेश्चन बैंक ट्राई किया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वो फ्री था उस टाइम पे। तो उसके क्वेश्चंस की मेरे को ये बात अच्छी लगी कि मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन का राइट आंसर या रॉन्ग आंसर जो भी मार्क करते हो, तो उससे रिलेटेड पूरी थ्योरी निकल आती है, एंड जो गलत है वो गलत क्यों है और जो सही है वो सही क्यों है, तो उसका पूरा थ्योरी हो जाता है। तो आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा थ्योरी भी रिवाइज हो जाता है, एंड मोर ओवर वहीं पर आपका जो जिस वीडियो में उससे रिलेटेड आपका कॉन्टेंट है,
आप उस पे वहाँ डायरेक्ट जा सकते हो और उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। फिर मुझे वो अच्छा लगा था, तो मैंने उसका फिर ऐप और देखा, बुक्स देखी, वीडियोस देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस टू यू। एंड मतलब अभी उसका 10 days का फ्री ट्रायल भी चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। और 24 hours के लिए आपको फ्री ऐप मिलेगी पूरी, तो आप पूरी ऐप का एक्सेस भी कर सकते हो फ्रीली। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और प्रेप लैडर को आप डाउनलोड कर सकते हो। Is MBBS tough or it's just a hype? मैं भी जानना चाहता हूँ वैसे ही। हाइप तो नहीं है, मतलब पढ़ना तो देखो पड़ता है और कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। बट जो भी बच्चे अभी नए नए MBBS में आते हैं, उनको मैं यही कहती हूँ कि ऐसे कोई मजे नहीं है जो मैंने ना किए। ठीक है, हम वहाँ पार्टीज भी बहुत करते हैं, हम ऐसे लग लग के पढ़ते भी हैं, मतलब जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो कुछ और दिखता नहीं है, और जब एग्जाम एकदम खत्म होते हैं तो हर एग्जाम के बाद हमारे पास पार्टी होती है करने के लिए, अब ये कराते हैं वो कराते हैं। तो इट इज़ अ लाइफ स्टाइल दैट यू एक्वायर, और वहीं पे तुम पढ़ते भी हो, वहीं पे तुम मज़े भी करते हो, वहाँ पे फेस्ट भी होता है तो तुम पूरे मज़े भी करते हो। तो मतलब सब कुछ बहुत मिक्सचर से है, हाइप भी नहीं है और टफ भी नहीं है, बस तुम्हें उसे एक्वायर करना पड़ता है कि हाँ दिस इज लाइफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन राज के लिए है और मेरे लिए भी, जो कि सबसे ज्यादा मतलब अगर 1000 questions पूछ रखे थे ना, उसमें से कम भी 500 questions यही थे कि दीदी आपके 10th और 12th के मार्क्स और राज भाई के 10th के मार्क्स प्लीज बता दो। तो भाई अपने 10th के मार्क्स बताता क्यों नहीं है लोगों को? तू मेरे 10th के मार्क्स जान के तुम लोग करोगे क्या है? और मेरे 10th और 12th के मार्क्स जान के क्या करना है तुम्हें? नहीं मतलब अगर मैं पढ़ने वाला इंसान होता तो मैं फिर भी तुम्हें खुश होकर बताता मेरे 10th के मार्क्स से तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। ठीक ही आ गए थे, और मैं अगर ना पढ़ती होती तो मेरा सिलेक्शन कैसे होता? तो क्या मतलब जानना क्यों जानना है? मैं जो कहना चाहता हूँ मेरा मतलब ये है कि अगर 10th में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तब भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि तुम बहुत कुछ कर लोगे, और अगर 10th में तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी फेल हो जाओगे तब भी ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मुझे लगता है ये देखना चाहते हैं कि हम जैसे जो इतना टाइम अपना निठल्लो की तरह वेस्ट करते हैं वीडियो बनाने में, उनके कैसे मार्क्स आते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते भी हैं या नहीं? 87% 10 CGPA इन 10th, और 12th में कितने? 94% थे विद सिलेक्शन, विद मींस में सिलेक्शन 93.9 थे ना। और वैसे भी ना 12th के मार्क्स इतने कंसीडर नहीं किए जाते हैं जितना सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। नीट में वैसे भी कोई 12th के मार्क्स पूछता नहीं है। अरे मेरी 12th बाकी है, मेरे मार्क्स देखना। हाँ भाई पास हो जाएंगे। और ये भी बता दो कि इस क्वेश्चन को एंड कर दो, राज के 10th के मार्क्स कब तक पूछते रहोगे? ये वाली अब जो भी कोई 10th के मार्क्स पूछेगा प्लीज ये वाली वीडियो को ना उसके लिंक में ऐड कर देना, मेरे 10th में 87% मार्क्स आए हैं। इसके मुंह पे 87 लिख देती हूँ। राज के लिए सेकंड क्वेश्चन, राज व्हाट डिड यू डू ऑन वैलेंटाइंस डे? क्या आपको किसी ने प्रपोज किया? प्रपोज तो किया नहीं, बाकी 4-5 दिन पहले मैंने वैलेंटाइंस डे की एक वीडियो पोस्ट करी थी वैलेंटाइंस डे से पहले, और तब तक मैं उसके व्यूज ही देखता रहा कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आए व्यूज? आए वो भी नहीं आए। वैसे भी अगर किसी को प्रपोज किसी ने प्रपोज किया होता है वैलेंटाइंस डे पे, कहीं गया होता यहाँ थोड़ी बैठ के बता रहा होता। अच्छा सुनो, देख लेना यार वीडियो हो सके तो। अबे फिर भीख मांगनी शुरू कर दी। ये यूट्यूबर ऐसे भीख मांगे हो जाते हैं। देख लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता। अगर दीदी आप पंजाबी हो तो पंजाब में आपका नेटिव प्लेस क्या है? ज्यादातर जो पंजाबी है, जो पार्टीशन के टाइम हमारे जो पेरेंट्स थे वो सब पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो माइग्रेटेड हैं यहाँ पे, और कोई लोग सहारनपुर आ गए, कोई लोग पंजाब में रुक गए, इसी तरह से हुआ है हम लोगों के साथ, यहाँ के अपना सेटल हुए हैं जैसे भी। तो मुन्नी तारों के नीचे से आई थी? तारों के नीचे से आए या ऊपर से आए ये तो पापा को पता होगा, पापा भी 5 साल के थे तब। वो तो नीचे से ही आ गए होंगे, उनकी माँ ऊपर से आई होगी तुम्हारी दादी। वैसे ये बात नहीं बताती हमें पापा, हमें तो बताया नहीं, आपने ब्लॉग में बता रहे हो। मैं ही पंजाबी तो बनिया नहीं है। हाँ ये बनिया है। तो मैं पूछता हूँ दीदी, अगर आप डॉक्टर ना होती तो आप क्या होती? Oh my God, ये क्वेश्चन सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे सोच के भी ना डर लग गया है कि अगर मैं डॉक्टर ना होती तो मैं क्या होती। अगर मैं डॉक्टर ना होती मैं ताने खा रही होती, मैं जूते खा रही होती अपनी मम्मी से, अपनी नानी से, क्योंकि ये जो सपना था ना ये मेरी नानी से चला आ रहा है। ये पुश्तैनी सपना है, ये पुश्तैनी सपना था कि एक लड़की को घर में डॉक्टर बनाना है। तो ये तो बता दे कि नानी आज तक मुझे भी ताने मारती है। नानी आज तक मेरी नानी आज तक
दानी आज तक मम्मी को ताने मारती है। इसकी शादी हो गई थी डॉक्टर से, इसकी शादी हो गई थी डॉक्टर से, उसके 10 साल बाद तक भी इसकी मम्मी कहती रही अब भी दे दे पेपर, अब भी दे दे। इनफैक्ट नानी अभी तक भी माधव इसको, राज को भी यही कहती रहती है, ये सब छोड़ दे बेटा, क्या तैयारी कर ले तू निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ और तू लीजू से भी अच्छा निकालेगा, तू तो एम्स में सिलेक्शन निकालेगा। तो मैंने मतलब ऐसे कभी ये चीज सोची नहीं है। बाकी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं ना बहुत बड़ी रॉक स्टार होती और मैं स्टेज पे कॉन्सर्ट्स किया करती, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत डांस भी आता है और सिंगिंग भी आती है। तो मेरा सपना तो यही था कि मैं ना बड़े से कोई ऑफर देने वाला हो तो बता देना इनका, बता देना, तो मेरे कॉन्सर्ट्स हुआ करते और ऐसे बस सोच। अगला क्वेश्चन भी काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो है ये कि राज आप पढ़ाई और वीडियोज के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करते? यार देखो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है ये, अब ट्यूशंस भी हर टाइम चलती रहती हैं, एग्जाम्स भी आ रहे हैं मेरे, और वीडियो बनानी होती है तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा तो मुश्किल होता है। कैमरा इधर करो, कैमरा ये रही ताल और ये रही मेल, दोनों के बीच में इतना तालमेल है कि किताब हर समय साथ में रहती है लेकिन पढ़ता ही कुछ नहीं है। पढ़ता हूँ मैं क्या, याद है मुझे थोड़ा सा। कौन सी, अच्छा कौन सी सब्जेक्ट की बुक है तो बता दे ये वाली, इकोनॉमिक्स की है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा बेटा पहला पेपर किस चीज का है? अपने दोस्त को फोन करके पूछना पड़ेगा। तो रात की बज रहे हैं 12 और पापा की कॉल आ चुकी है, तो हमें काफी क्विकली अब अपना लास्ट जो हमारे क्वेश्चंस थे कि जल्दी जल्दी निपटे, तो हमने एक ऐसे कपल राउंड टाइप रखा है इनका, जिससे आपको इनकी नेचर के बारे में पता चलेगा। तो मैं क्विक क्विक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको एकदम से पॉइंट आउट करना है कि वो कौन ज्यादा करता है, ठीक है? तो सबसे पहला है कि घर में चलती किसकी ज्यादा है? ओहो फीमेल डोमिनेंट घर है हमारा। ओह माय गॉड, गुस्सा कौन करता है? यही करती है झूठ बोल दिया। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसमें पापा बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। और मैं भी समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। नॉर्मल रहती, मैं हमेशा थोड़ा गुस्सा रोज करती रहती हूं, लेकिन आप थोड़ा नहीं बहुत। चलो मम्मी की आंखों में एक नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर। प्यार कौन ज्यादा करता है? ये मैं पापा को देना चाहूंगा। घर में ज्यादा चाय कौन बनाता है? चाय भी मैं ही बनाता हूँ, और पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, सुबह शाम पीती है मेरे हाथ से बनवा बनवा, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मुझे चाय वाला बनवा दिया मोदी जी के बाद, अगला चाय वाला मैं ही। और जब मैं आ जाती हूँ तो मुझे बनानी पड़ती है, और मैं वैसे बनाता रहता हूँ, मेरा कोई नाम नहीं ले रहा, बहुत अंडररेटेड चाय वाला हूँ मैं। नहीं माधव सिर्फ मेरे लिए चाय बनाता है, बहुत अच्छी चाय बनाता है, एक कप बनाता है। वीडियो पे तारीफ मिल रही है, बहुत बड़ी चीज है। लड़ता कौन ज्यादा है? मैं भी मम्मी को देना चाहूंगा। ये लड़ते हैं ये मेरे को चोप करते हैं, पापा तिल्ली लगाते हैं, ये मेरे को ये चिरक करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। ये क्वेश्चन ही बेकार, लड़ता कोई भी हो जीतता कौन है ये पूछ। अगर तेरे पापा पहली बारी में सॉरी बोल दें तो कभी लड़ाई ना हो। ठीक है, तो बच्चे से ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं मम्मी हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरा दिखाई नहीं देता, बाप का प्यार दिखाई नहीं देता, बाप की बापता दिखाई नहीं देती, माँ की ममता दिखाई देती है। बापता बापता नाम की इसीलिए कोई चीज ही नहीं मिलती। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, एक गुड और एक बैड क्वालिटी मेरी और माता की, पता लीजू की बैड क्वालिटी है कि इसे गंदा गंदा खाने का बहुत शौक है, हर समय जंक फूड मांगती रहती है, और अच्छी क्वालिटी है कि ये अभी तक भी इतनी बड़ी होके भी मेरा कहना एक बार मान जाती है। अब माधव की बैड की बारी आई है, तो मम्मी के पास तो ऐसे होगा लिखने के लिए। माधव की भी एक गुड बैड ये है कि माधव मेरे से प्यार भी बहुत करता है, ये गुड है, और माधव मेरे से लड़ता भी बहुत है, ये इसकी बैड क्वालिटी है। माधव बहुत प्यारा बच्चा है, आज्ञाकारी है, ये इसकी गुड क्वालिटी है, और बैड इसकी ये है कि कई बार सुनता नहीं है, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? चलो लीजू की बताओ। लीजू तो बैड क्वालिटी तो मुझे इसकी कोई ढूंढे नहीं मिलती, हाँ जंक फूड का वो भी तू ही बता रही है, वो भी मुझे नहीं पता, बाकी ये तो प्यारी बच्ची है, इसमें बैड कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। कभी किसी माँ बाप को देखा है अपने बच्चों की इतनी तारीफ करते हुए? अब पापा से चुपके खाते ना जंक फूड, इसलिए पापा को पता है। पापा को बचपन से नहीं पता चला लीजू ने कब क्या खाया, क्योंकि उनके आते सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। मम्मी ये कहती है लीजू क्या करा, ये खा के सबूत भी नहीं मिटाए। सो दिस वॉज इट, आई होप आप लोगों को ये थोड़ा फनी और अच्छा लगा हो, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको बनाने में बहुत एंजॉय करा। आगे भी व्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसे Q&A आते रहेंगे, जल्दी जल्दी से हमारे 100 बढ़ाते रहो फॉलोवर्स, ताकि हम और अच्छे अच्छे माइलस्टोन अचीव करें। सो कुछ दिन के लिए बता दो, माधव पढ़ाई करेगा और लीजू दीदी
यार ये प्रेशर मत डालो वापस से मेरे ऊपर। देख लो गाइस, तुम लोग इसे बर्डन लगते हो इन्हें। मैं जरा इसकी पिटाई कर दूं तो इने, इने। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा जो कि आप इतनी एंड तक आ गए हो तो अच्छा ही लगा होगा। करो कमेंट करो शेयर करो और सब्सक्राइब करें मत जाना। मैं बोलूंगा मैं और सब्सक्राइब करें मेरा मत जाना। बाय।